नमस्कार दोस्तों, ये आफ्टरनून अपडेट है आज के एक्सपायरी का। थोड़ा सा कॉशियसली प्ले करिए, यहाँ पे मार्केट जो है स्ट्रेंथ दिखा रहा है जिसकी उम्मीद में पिछले तीन चार दिन से कर रहा था वो स्ट्रेंथ मार्केट में आज दिख रही है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, आपको जो बोला हुआ है उसका प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है। मैंने टेलीग्राम पे बाइंग कॉल दी हुई है, तो प्लीज़ जो टेलीग्राम पे नहीं है पहले तो टेलीग्राम पे जुड़िए, क्योंकि दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू कनेक्ट विद यू ऑल। हर एक चीज़ की वीडियो बनाना मुश्किल है, मैं आफ्टरनून में फिर भी अपडेट देता हूँ आपको, क्योंकि सारे लोग टेलीग्राम पे है नहीं। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए, 130 अबव बाय था, नेक्स्ट बाय 200 के ऊपर होल्ड करें, बाय कीजिए वहाँ से, और 100 पॉइंट की मिनिमम रैली मिलनी चाहिए आपको आज ही। सारे कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे 17200 क्रॉस हुआ तो, ठीक है। बैंक निफ्टी 36200 है, जो 50 पॉइंट का जोन है, वहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी बन रहा है, और उस हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न के हिसाब से 36600 के टारगेट आते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। यहाँ पे रिलायंस मैंने बाय कॉल दी है, तो उसमें थोड़ा कॉशियसली रहिए। काफ़ी लोग देने लग गए हैं, ठीक है, काफ़ी लोग उसकी बाय कॉल देने लग गए हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे आप, अच्छा मैं पहले बता दूं भाई, कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि सेल ऑन राइज था मार्केट, हमारी वजह से सेल नहीं कर पाए टॉप पे, तो मार्केट आ गया भैया 17200 पे। जिन लोगों को खुजली थी सेल करने की, वो बिंदास सेल मार सकते हैं यहाँ पे, क्यों लाइव मार्केट में सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप्स, ये 3:30 बजे के बाद बोलना बहुत आसान है, ठीक है, कि मार्केट सेल ऑन राइज था बाय ऑन डिप्स था। इस वक्त पे, इस टाइम पे अब करके दिखाओ सेल यहाँ पे, ठीक है। तो खुजली जिन, शाम को ज्ञान देना बहुत आसान है कि सेल ऑन राइज था, मेरी वजह से नहीं कर पाए, भैया करो बिंदास, मैं किसी को नहीं रोक रहा, मैं किसी के डीमेट अकाउंट में नहीं घुसा हुआ हूँ, बिंदास ठोको यहाँ से जिसको ठोकना है। मैं अपना बता देता हूँ, मैंने कर लिया है प्रॉफिट बुक, 17200 क्रॉस होता है, मैं और आगे की तरफ बाई करने की सोचूंगा। नीचे मार्केट गिर जाता है, मेरे हाथ 60-70 पॉइंट लग चुके हैं, मैं उतने में खुश हूँ, ठीक है। मेरा ध्यान बैंक निफ्टी की तरफ चला जाएगा, और अगर 36150 इसके ऊपर आधा घंटा भी रुक गया ना, 36150, और मैं इसको एग्रेसिवली बाय करूँगा, आज का ही टारगेट 36500 हो सकता है, ठीक है, आज ही का टारगेट। तो ये दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए, इसी प्रकार से प्ले कीजिए। एक्सपायरी है, मार्केट ऊपर नीचे करता है, सब कुछ कर देता है, एकदम से गेन अपना जो भी है छोड़ देता है, बट थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है, और आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, 17200 के ऊपर, 17215 के ऊपर आ जाती है तो इट विल बी ए वेरी पॉजिटिव क्लोजिंग। नहीं आती तो मार्केट की हालत ख़राब हो जानी थी, मैं आपको समझाऊंगा क्यों, इस वीकेंड के एनालिसिस में लगेगा पता आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच।